बरेली में बारदरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला सतीपुर में अपने मायके रह रही महिला को उसके पिता ने प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब परिजनों ने शव को फंदे पर लटका हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए और पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बारदरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला सतीपुर निवासी शंकर लाल ने अपनी 25 वर्षीय बेटी शिवानी की शादी साल 2017 में सुभाष नगर के रहने वाले सचिन के साथ की थी। इस दौरान मायके आने जाने पर शिवानी का मोहल्ले के ही युवक संजू से प्रेम प्रसंग हो गया था, जिसका पता चलने पर पति के साथ उसका विवाद होने लगा। वहीं पिछले एक साल से शिवानी अपने मायके में रह रही थी। मृतका के भाई अमन ने बताया कि इस बीच किसी तरह समझाकर शिवानी को उसकी ससुराल भेज दिया, लेकिन प्रेमी संजू ने उसे मोबाइल फोन दे दिया, जिससे दोनों आपस में बात किया करते थे, लेकिन फोन की जानकारी उसके पति को हो गई और दोनों में एक बार फिर झगड़ा हो गया, जिसके बाद अपने प्रेमी के कहने पर शिवानी वापस अपने मायके आ गई और उसके बाद यहीं रह रही थी। वहीं बीती रात पूरा परिवार लाल फाटक में एक रिश्तेदारी में दावत में शामिल होने गया था। घर में शिवानी और उसके पिता शंकर लाल ही मौजूद थे। इस दौरान रात में शिवानी ने पिता के कमरे की बाहर से कुंडी लगाकर अपने प्रेमी को घर पर बुला लिया। इस बीच पिता शंकर लाल की नींद खुल गई और उन्होंने आवाज लगाई, जिससे शिवानी हड़बड़ा गई और प्रेमी भाग खड़ा हुआ, जिसे शंकर लाल ने खिड़की से भागते हुए देख लिया। वहीं प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद शिवानी ने आज सुबह कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी, जिसकी जानकारी होने पर परिवार के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। सुबह 5 के 6 के बीच के करीब लगाई है फांसी। संजू कहाँ का रहने वाला? संजू भी सतीपुर में ही रहता है। पहले कभी थाने में इस बात की शिकायत थी? पहले हमने कही नहीं थी, तो वो हम लोगों को कई बार उसे मारने के लिए भी कहा था, धमकी देता था जी। तो कोई बच्चे बच्चे हैं? कोई बच्चे बच्चे नहीं।